हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशाल तेरी क्लासेस। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स सिलेबस और मार्किंग स्कीम के बारे में। आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम है और उसके लिए आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी हर एक यूनिट को जानें कि वो कितने मार्क्स की है, ताकि आपकी प्रिपरेशन उसी के हिसाब से हो सके। तो आज हम आप लोगों के सामने यही सब चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने यूनिट्स के बारे में कि हमारी यूनिट्स कितनी है और उनकी वेटेज कितनी है। यूनिट्स के बाद मैं आपके साथ चैप्टर्स भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि यूनिट्स तो हमें एक क्राइटेरिया बताएंगी कि हमारी इतनी रेंज है, लेकिन जब चैप्टर्स की बात करते हैं तो चैप्टर्स हमें पर्टिकुलरली आइडिया देगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आते हैं इसमें 10 मार्क्स। यूनिट टू की बात करें तो यूनिट टू है हमारे पास एलजेब्रा, और एलजेब्रा की वेटेज है 13 मार्क्स। यूनिट थ्री की बात करें तो कैलकुलस, और कैलकुलस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी वेटेज ऑफ मार्क्स जो है वो है 44 मार्क्स। अगर आप 44 मार्क्स भी प्रिपेयर करते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी सारी चीजें कवर होती हुई आएंगी। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास वेक्टर एंड 3D। ये सिर्फ 7 नंबर की है और इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ईजी आता है, आप आराम से डील अप कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की या फिर यूनिट की बात करें तो वह होती है हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें हमारे पास वेटेज होती है हमारी 6 मार्क्स की। इसके बाद हमारे पास 6th यूनिट आई प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी से हमारे पास क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के। तो ये तो हुआ हमारा टोटल 6 यूनिट्स, और मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स हुए हमारे पास 100 मार्क्स, क्योंकि अब आपकी 12th है, 12th में आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा। बात करते हैं अब हम चैप्टर वाइज कि हमारे चैप्टर्स में से क्या वेटेज रहेगी। सबसे पहला हमारे पास चैप्टर वाइज की अगर हम बात करें तो हमारी यूनिट थी रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हमारे पास 2 चैप्टर आते हैं। पहला होगा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा होगा हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरे यूनिट की बात करें तो उसमें हमारे पास होगी एलजेब्रा यूनिट, और उसमें फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स और दूसरा डिटर्मिनेंट्स। यहां पर चैप्टर डिस्कस करने का फायदा क्या है? देखिए, यूनिट्स में तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि यूनिट्स में हमारे पास कितनी वेटेज है, लेकिन जब हम चैप्टर्स की बात करेंगे तो चैप्टर्स हर एक के अलग अलग हैं। वहां से आपका क्वेश्चन का क्राइटेरिया भी चेंज होगा और नंबर ऑफ वेटेज भी डिफरेंट होगी। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट में हमारे पास आती है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सेकेंड चैप्टर आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, थर्ड इंटीग्रल्स, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, फिफ्थ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखने वाली बात यहां पर क्या है, कैलकुलस की हमने बात की थी तो कैलकुलस हमारी 44 मार्क्स की थी, तो 44 मार्क्स इन 5 चैप्टर्स के लिए आपके सामने आते हैं। तो हमें ये 5 चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे से करने पड़ेंगे, और अगर हम इनको अच्छे से करेंगे तो हमारे जो बाकी के इनसे इंटर रिलेटेड चैप्टर्स है वो भी अपने आप प्रिपेयर होते हुए आएंगे। फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करें तो फोर्थ यूनिट हमारे पास आती है वैक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। इसमें हमारे पास 2 ही चैप्टर, वैक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग, और इसका चैप्टर भी आपके पास एक ही आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो वो थी हमारी प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में आपके सामने एक ही चैप्टर आता है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये हुई हमारी चैप्टर्स यूनिट वाइज डिस्कशन। मार्क्स आपके सामने क्लियर है कि कितने मार्क्स का हमारा पेपर होगा। चैप्टर्स अब आपके सामने क्लियर है और ये आपके फाइनल बोर्ड में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि ये 2018 से 2019 सेशन के लिए है। यानी कि जब आप 2019 में अपने बोर्ड एग्जाम्स देंगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से रखनी है। तो यहां पर हमारी टोटल यूनिट्स हुए 6, टोटल चैप्टर्स हुए 13 और टोटल मार्क्स हुए 100। अब देखिए, ये तो मैंने आप लोगों से बात कर ली ओवरऑल व्यू और हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब यहां पर मैं आप लोगों के साथ जरूरी बात ये करना चाहता हूं कि हम आप लोगों के लिए क्या प्रोवाइड कराएंगे। हर एक चैप्टर्स के हम आपको इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे सिंपलेस्ट वे में, ताकि आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकें। वो सब चीजें आपको यहां पर पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड कराई जाएगी, इवन आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपको रिवीजन में, और जब आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे तब आपकी रिवीजन क्लास भी हम प्रोवाइड कराएंगे। रिवीजन क्लास का फायदा क्या होगा? रिवीजन की वजह से आप अपने आप को कॉप अप करते हुए दिखेंगे कि आपका रिजल्ट कहां था और अब कहां पर पहुंच चुका है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हर चीज को अच्छे से समझते हुए चलिए, क्योंकि हमारी क्लासेस आप लोगों के लिए कंटिन्यूअस रहेंगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड अप करता हूं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए ना जाइएगा। तो मिलते हैं हम दोस्तों अपने चैप्टर की स्टार्टिंग्स के साथ।